अब मार्केट जैसे नूडल्स खाने हैं तो कोई टेंशन नहीं, और आफत हो रही है कि बाहर कौन जाए या ऑर्डर कौन करे क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बहुत है, और वो तो फिर रेस्टोरेंट स्टाइल वाला हो जाता है ना, स्ट्रीट स्टाइल वाला तो नहीं होता। तो अब कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से घर पे बना सकते हैं बिल्कुल टेस्ट स्ट्रीट स्टाइल चाउमिन मिनटों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट अनदर फूडी गर्ल। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 लीटर पानी और इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। हमारा यहाँ पे पानी आप देख सकते हो कि बॉईल हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 1 छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पे हमें मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं करना है, आप कोई सी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है वेज अक्का नूडल्स, आप कोई सी भी जो चाव चाव आती है वो भी ले सकते हैं, चाउमिन भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 पैकेट नूडल्स ले लिया और इसे मैं बीच से तोड़ के डाल दूंगी। यहाँ पे आपको इसको ज्यादा तोड़ के नहीं डालना, नहीं तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे। बस एक बार बीच से तोड़ के डाल दे ताकि जो बर्तन है ये उसमें आ जाए। एक बार हमें इसे फोक से चला लेना है और फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। यहाँ पे हमें इसे 90% ही कुक करना है। नूडल्स को कुक करते हुए यहाँ पे मुझे टोटल 4 मिनट हुए हैं और हमारा नूडल्स यहाँ पे अच्छे से कुक हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा नूडल्स बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है, हमें बस इसी स्टेज तक यहाँ पे कुक करना है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब मैंने यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रेनर लिया है, आप कोई से भी छन्नी ले सकते हो, और हमारे नूडल्स को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसके नीचे मैंने एक बर्तन लगा दिया ताकि जो भी पानी है वो उसमें चला जाए। अभी हमें इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है ताकि जो इसका ओवर कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए। और ठंडा पानी डालने से क्या होता है ना कि हमारे जो नूडल्स है वो बिल्कुल खिले खिले होते हैं। अब एक बार हमें सभी नूडल्स को बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। आप देखो, अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने जो नीचे बर्तन डाला था ना उसमें पानी बिल्कुल भर गया, तो मैं अभी ये पानी फेंक दूंगी और फिर ये खाली बर्तन हो जाएगा, इसके ऊपर फिर से ये छन्नी डाल दूंगी। तो उससे क्या होगा ना कि नूडल्स में जो भी थोड़े बहुत बचे हुए पानी है ना वो भी अच्छे से ड्रेन हो जाएंगे। अभी हम वापस यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, इससे क्या होगा कि हमारे नूडल्स बिल्कुल खिले खिले होंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, मैशी मैशी नहीं होंगे। ऑयल डालने के बाद हम फिर से नूडल्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो पूरे नूडल्स में अच्छे से लग जाए और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/3 कप कैप्सिकम यानी कि हरी शिमला मिर्च, 1/3 कप गाजर, 1/3 कप बंद गोभी, 1 छोटी हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया है, 4 लहसुन की कलियां इसे फाइनली चॉप कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच है हरा प्याज, स्प्रिंग ऑनियन का जो हरा वाला पार्ट होता है वो, और यहाँ पे है 1 मीडियम साइज का प्याज। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हो, और अगर आपको सब्जियाँ ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे सभी चीज की क्वांटिटी 1/2 कप कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसे गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई है। हम अब इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पे भी हमें मस्टर्ड ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आप कोई सी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज करो। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे अपने कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च और हमें इसे बस 1 से 2 सेकंड्स के लिए फ्राई करना, आप उतने में ही देखोगे कि इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद और यहाँ पे हम तुरंत डाल देंगे अपने कटे हुए प्याज और इसे हमें यहाँ पे 1/2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम हाई है, तो अगर आप इससे ज्यादा देर के लिए फ्राई करोगे तो ये ज्यादा पक जाएगा या जल भी सकता है, तो हमें बस इसे यहाँ पे 1/2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। प्याज को भूनते हुए यहाँ पे मुझे 1/2 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए बंद गोभी और गाजर। इसे भी हमें मीडियम हाई फ्लेम पे 1/2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है क्योंकि हमें सब्जियों को यहाँ पे ज्यादा कुक नहीं करना है, उसकी जो क्रंचीनेस है वो बनी रहनी चाहिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी कटी हुई हरी शिमला मिर्च और उसे भी हमें यहाँ पे 1/2 मिनट के लिए ही मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। शिमला मिर्च को भी भूनते हुए मुझे यहाँ पे 1/2 मिनट हो चुका। अभी इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। तो अब जो हमने नूडल्स बॉइल करके रखा था वो हमें पैन में डाल देना है इस तरीके से। आप देख रहे हो ना मैं कैसे डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल देना है। आप देख रहे हो ना ये कितने अलग अलग बन के रेडी हुए हैं। अभी यहाँ पे हमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था, पता नहीं मेरा कैमरा बंद हो गया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें सबसे पहले नमक डालना है, फिर डाल देना 1/2 छोटी चम्मच व्हाइट विनेगर, 2 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, आप कोई भी नॉर्मल भी सोया सॉस यूज कर सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस, और यहाँ पे हमें डालना है 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप या कोई भी सॉसेस का अगर आप टेस्ट पसंद नहीं करते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बस स्पैचुला की हेल्प से मिक्स नहीं होगा, तो मैंने फोक ले लिया और स्पैचुला की हेल्प से इसे इस तरीके से मिक्स कर लिया। ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। अभी हमें यहाँ पे डाल देना है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम जो है वो हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे सभी चीजों 1/2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे 1/2 मिनट हो चुके हैं और हमारा नूडल्स भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा प्याज और एक बार इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी।
आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। अभी हम इसे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। मिलते हैं फिर एक इसी तरह की इजी और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।